हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी पहले कही बट आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है कि टेन ए अपान का वन माइनस कॉट ए प्लस, कह रहा है कॉट ए अपान का वन माइनस टेन ए इक्वल। बेटा हमको दिखाना है वन प्लस टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल होता है। फिर हमको दिखाना है ये पार्ट किससे इक्वल हो जाएगा, वन प्लस सेक ए इंटू कॉस ए के बेटा हमको इक्वल दिखाना है। तो क्या देखो, हमको हमको क्या करना बेटा, करना होता है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो, आपका सेकंड पार्ट आ जाए। फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करके बेटा हम क्या थर्ड पार्ट ले आएंगे। ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखो इधर, जैसे बेटा ये मान लो क्वेश्चन आपका है। अब इसमें देखो, आप एक क्वेश्चन बेटा साइन अपॉन अगर कॉस से करोगे, ठीक है, तो तीनों टर्म हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। आपका आंसर तो आएगा भाई, टेन को साइन अपॉन कॉस कर लो, कॉट को कॉट अपॉन साइन कर लेंगे, तो थोड़ा लेंथी में बैठा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अच्छे और नए मेथड की बात करता हूँ। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, आपके जितने भी कॉट वाले टर्म है ना बेटा, कॉट के जैसे कॉट ए को हम चेंज कर देंगे, इसमें कर देंगे वन अपान के टेन ए में बेटा चेंज कर देंगे, है ना। अब देखो, तो चेंज करोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो इधर ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, देखो इधर ये आपका टेन ए दे रखा है ना बेटा। अपान में क्या हो जाएगा, वन माइनस, अब देखो बेटा कॉट ए को वन अपान हम टेन ए कर सकते हैं, कितना जाएगा ये वन अपान कितना जाएगा, ये आपका टेन ए आ जाएगा बेटा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये बेटा कॉट ए आपका। अब देखो कॉट ए को बेटा देखो होता क्या है, जैसे ए लिखा हो और अपान ने बेटा बी माइनस के बेटा सी लिखा हो। अब अगर ए की जगह आपको वन अपान सी लिखना, वन अपान डी लिखना है, तो क्या जाएगा ये वन अपान का डी ऐसे आ जाएगा और बी माइनस का सी बेटा ऐसे रहेगा। वैसे क्या करेंगे हम, टेन कॉट को वन अपान टेन करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये वन अपान का टेन ही हो जाएगा, वन अपान का टेन ए हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, वन माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका टेन ए बेटा, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक बेटा। अब इतने में दिक्कत आप लोग को या हमको दिक्कत ही नहीं चाहिए, इजी इतना सा हो गया। अब बेटा इसको हम रफ करते हैं, है ना बेटा। अब यहाँ देखो, जैसे कभी भी आपका अगर ऐसे लिखा गया बेटा हो, ए अपान में वन माइनस का बी अपान का सी बेटा कभी लिखा गया हो, तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, बी का मल्टीप्लाई बेटा वन से करो, कितना आ जाएगा ये आपका ए अपान में कितना आ जाएगा, सी माइनस का बी अपान बेटा पूरा पूरा सी हो जाएगा। और जो सबसे नीचे बेटा होता है ना, जो इसको सबसे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ए इंटू सी अपान बेटा क्या जाएगा, सी हो जाएगा, बी माइनस का आपका सी हो जाएगा। सेम ये प्रोसेस बेटा हम इस वाले टर्म में अप्लाई करेंगे, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका टेन ए बेटा ऐसे लिखा रहेगा रहेगा, अपान में क्या जाएगा, ये टेन ए बेटा माइनस कितना जाएगा, माइनस का आपका वन हो जाएगा। और ये आपका ध्यान रखना बेटा, ये आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन है, ये अब कितना जाएगा, ये आपका टेन ए बेटा आ जाएगा, और यहाँ हम इक्वल लगा देंगे बेटा, ये टर्म बेटा आपका ऐसे लिखा रहेगा, अभी इसमें कोई भी खुराफात हम नहीं करेंगे, ये आपका टेन ए आ जाएगा, कितना जाएगा वन माइनस का टेन ए आ जाएगा बेटा। ये वाला पार्ट हम रफ कर देंगे। अब देखो ये जो आपका टेन ए बेटा है, इसी ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेन ए का टेन ए टेन स्क्वायर ए बेटा आपका आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा टेन ए माइनस वन बेटा, यहाँ कितना आपका, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वन अपान में कितना आ जाएगा, ये आपका बेटा आ जाएगा टेन ए अपान में क्या आ जाएगा, वन माइनस का टेन ए बेटा आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये वाला पूरा पार्ट हम बेटा रफ कर देते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, सिंपल से एलसीएम ले लेंगे, ये वाले पार्ट का मल्टीप्लाई टेन टेन स्क्वायर से कर दो, और टेन ए माइनस वन का बेटा मल्टीप्लाई हम वन से कर देंगे, तो कितना ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, टेन स्क्वायर का मल्टीप्लाई टेन ए से करोगे तो टेन क्यूब ए हो जाएगा, कैसे देखो, कहीं आपको बेटा अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मल्टीप्लाई अगर एक्स करोगे आप कितना आ जाएगा, ये आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, क्यों बेस ए में पावर वन हो जाएगी, तो पता है थ्री, ये टू प्लस वन कितना बेटा आ जाएगा, ये आपका थ्री आ जाएगा ना। तो सेम ऐसे करोगे, टेन स्क्वायर ए का जब मल्टीप्लाई बेटा टेन ए से करोगे कितना आपका आ जाएगा, ये आपका टेन क्यूब ए आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका, लिखा रहेगा बेटा वन माइनस का टेन ए हो जाएगा। अब देखो बेटा इनका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस बेटा ऐसे रहेगा, ये कितना आ जाएगा टेन ए माइनस के बेटा, ये आपका वन आ जाएगा। और अपान में कितना रहेगा बेटा, अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेन ए माइनस का वन, ये आपका हो जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा ये टेन ए बेटा, ये टर्म आगे लिख देंगे, है ना, इंटू कितना आपका आ जाएगा वन माइनस का बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका टेन ए आ जाएगा।
इतने में दिक्कत बेटा, हम लोग को दिक्कत नहीं चाहिए, आसान सवाल है इतने स्टेप में। अब बेटा यहाँ के देखो, अब कभी भी बेटा आपको कहीं ऐसे लिखा गया हो ए प्लस का बी, ठीक बेटा, यहाँ पर कितना लिखा हो बी माइनस का सी, बेटा यहाँ पर प्लस लगा हो, तो ध्यान देना बेटा इनसे अगर बेटा माइनस कॉमन ले लोगे है ना, तो ये आपका ए प्लस बी बेटा ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो बेटा बी माइनस सी से अगर बेटा माइनस कॉमन लोगे तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा और सी माइनस सी बेटा क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कहो सर क्या ये सही है, हमने ठीक बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ब्रैकेट बाहर अगर माइनस लगता है बेटा, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर का सारी चीज चेंज होंगे। देखो बेटा यहाँ पे इस समय आपका बी प्लस सी आपका प्लस में है, जैसे बेटा आप ब्रैकेट बेटा ओपन करोगे ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी आपका यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा, और देखो यहाँ बी आपका माइनस में है तो बेटा बी आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या ये प्रॉपर्टी का बेटा यूज हम यहाँ करेंगे, तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो इधर ये आपका देखो बेटा ये आपका टेन क्यूब बेटा ऐसा लिखा रहेगा और ये वन माइनस का टेन है बेटा ऐसा लिखा रहेगा। यहां से बेटा माइनस कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा ये वन माइनस का टेन ए बेटा आ जाएगा। अच्छा वैसा क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं कि देखो बेटा टेन ए माइनस कॉमन यहाँ लिखा गया है, अब बेटा यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस का टेन ए बेटा क्या दोनों कॉमन मिल जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा सॉल्व करने, इसको आसानी सॉल्व करने हो जाएगी। तो बेटा अपान में क्या हो जाएगा, अपान बेटा आपका लिखा जाएगा ये टेन ए इंटू क्या हो जाएगा टेन ए माइनस का वन बेटा हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा वन माइनस का आपका टेन ए बेटा हो जाएगा। अब देखो ये वन माइनस टेन ए दोनों कॉमन बेटा मिल रहा है, इसके इंटू में वन लिख लूँ तो बेटा यहाँ के आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेन क्यूब ए है ना बेटा, कॉमन लेते हैं पहले ना आपका वन माइनस का टेन ए बेटा, ये अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा टेन क्यूब ए बेटा क्या बचेगा माइनस का वन बचेगा, ठीक बेटा ये इतना हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हमने क्या किया देखो वन माइनस का टेन बेटा कॉमन ले लेंगे तो इंटू में यहाँ आपका माइनस का वन बचेगा। अब देखो अपान बेटा क्या हो जाएगा ये टेन ए बेटा ये ऐसे लिखा रहेगा है ना, टेन ए आपका जाएगा टेन ए माइनस का वन, ये आपका जाएगा वन माइनस कितना जाएगा ये आपका टेन ए बेटा जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट बेटा इससे कट जाएगा, इतने आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है क्यों बेटा, इसकी सकल इससे मिल रही है, हम कह दो वन को हम वन का क्यूब लिख सकते हैं, वन को आप वन की पावर सौ लिखो उस वन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वन की वैल्यू आपकी वन ही रहेगी। तो बेटा यहाँ हम क्या करेंगे ए की पावर थ्री लिख लेंगे, क्यों ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला होता क्या, फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी बेटा होता है, फिर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बेटा हो जाएगा। ये दस हजार करोड़ साल पुराना बेटा फॉर्मूला ये है, तो आप लोग शायद भूल गए होंगे इसलिए मैं इसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो बेटा सेम ऐसे क्या करेंगे, इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब से खोल देंगे तो बेटा ये कितना आपका आ जाएगा टेन ए माइनस वन बेटा, ये आपका आ जाएगा टेन ए माइनस वन बेटा आ जाएगा, ठीक बेटा ये कितना रहेगा और अपान में ये इसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी आपका आ जाएगा, तो यहाँ बेटा क्या जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस का वन, तो ये कितना आपका ए इंटू बी मतलब टेन ए, टेन ए इंटू वन मतलब टेन ए बेटा आपका रहेगा। ये वाली आइडेंटी हम यहाँ पर अब रफ कर देंगे। अब यहाँ देखो अपान बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन ए माइनस का वन इंटू क्या रहेगा बेटा, ये आपका टेन ए ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा टेन ए माइनस का वन आपस में ये कट जाएंगे, अब हमारा कितना बचा है, हमें बचा है अब बेटा इसके आगे प्रॉपर्टी हम क्या लगा देंगे, देखो इधर सवाल बेटा जिसे अगर मैं सवाल सीधे सॉल्व कराऊँ ना तो छः मिनट के ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन होता नहीं कि सवाल में कोई अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो कहाँ से प्रॉपर्टी वो आती है वो भी आपको पता होना चाहिए, सर ये ऐसे होता है वरना सवाल तो भाई अभी हमको छपा दे पूरा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा सवाल आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक अगर बेटा आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी, बेटा इसके अपान में अगर डी लिखा हो तो क्या हो जाता है, इसको हम ए अपान का डी लिख सकते हैं प्लस बी अपान का डी लिख सकते हैं प्लस सी अपान का डी बेटा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक अब बेटा ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर देंगे, कैसे यूज करेंगे देखो इधर हमारा हम बेटा मेरे पास कितना बचा है, ये बचा है टेन स्क्वायर ए अपान बेटा टेन ए बचा टेन ए सबके अपान में हो जाएगा,
तो ये आपका टेन ए आ जाएगा, आ जाएगा। फिर प्लस लिख दो, अब देखो वन बचा है बेटा, वन को कर सकते हैं वन अपान का टेन ए हो जाएगा, मतलब बेटा क्या हो जाएगा टेन ए को अपान टेन ए बेटा हो जाएगा। हमने क्या किया बेटा, इस टेन ए को टेन स्क्वायर ए के अपान में लिखा तो टेन स्क्वायर ए अपान का टेन ए आ जाएगा बेटा। इस टेन को वन के अपान लिखे तो वन अपान का टेन ए आ जाएगा बेटा। ये टेन आपका है टेन अपान टेन का, ये बेटा क्या हो जाएगा इसके अपान में जाएगा। देखो बेटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। थोड़ा इधर हम इसको सवाल को इधर करते हैं। अब बेटा यहाँ देखो ये टेन स्क्वायर ए से ये स्क्वायर से इसका टेन कट जाएगा तो कितना बेटा बचेगा, ये हमारा बचेगा टेन ए बचेगा है ना। अब देखो वन अपॉन टेन ए तो बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि कॉट ए बेटा क्या होता है, ये वन अपॉन का टेन ए बेटा होता है ना। तो देखो वन अपॉन का टेन ए जगह बेटा हम कॉट ए यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा कॉट ए आ जाएगा। अब देखो बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस का वन आ जाएगा। अब बेटा देख मेरी नजर से देखो है ना, हम देखो फर्स्ट पार्ट लेके चले थे, हमारा सेकंड पार्ट आ गया। देखो टेन ए प्लस का कॉट ए प्लस का वन आपका आ जाएगा। अब आगे पीछे टर्म लिखे वो हम आगे पीछे कर ले जाएंगे। अब देखो बेटा हमने सेकंड पार्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा, सेकंड पार्ट बेटा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। अब बेटा हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, हमको क्या दिखाना है कि ये वाला पार्ट बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, वन प्लस सेके इंटू कॉस इक्वल हो जाएगा। तो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ देखो इसको हम टेन ए को बेटा क्या ले सकते हैं, टेन ए को बेटा हम साइन ए अपान का कॉस ले सकते हैं। अब यहां देखो बेटा कॉट ए को हम क्या ले सकते हैं, कॉस ए अपान बेटा क्या हो जाएगा ये आपका साइन ए ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए बेटा। ये आपका वन बेटा ये आपका वन ऐसे रहेगा। आपको सर आपके वन से खुराफात नहीं करेंगे हम बेटा, यहाँ देखो हमको वन यहाँ लाना है पर यहाँ पर है तो इस वन से खुराफात मत करो। ये चीजें होती हैं, देखो ये चीजें स्टेप आपको सिग्नल होती हैं कि ये एग्जाम में काम आएगा, वरना आप लोग एग्जाम में तब पैनिक हो जाओगे ना, मार्क्स सब उड़ा दोगे तब पूरा। तो ऐसे उड़ाना नहीं है, आराम से करना है, समझ समझ करना है। अब बेटा इन दोनों टर्म का क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर बेटा ए आ जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका कॉस ए आ जाएगा। अब देखो ये बेटा आपकी आइडेंटिटी मिल रही है, यहाँ बेटा प्लस का वन बेटा आपका ये ऐसे लिखा रहेगा ठीक है। तो इसकी वैल्यू बेटा वन हो जाएगी, कैसे हो जाएगी देखो इधर, हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेटा क्या होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वन पुट कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, वन अपान बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन ए इंटू क्या आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा, ये कॉस ए आ जाएगा प्लस का आपका वन आ जाएगा। अब देखो वन अपान साइन ए बेटा क्या होता है, देखो कॉस ए का फॉर्मूला बेटा यहाँ हम लिखते हैं, देखो इधर कहाँ लिखे यहाँ देखो इधर आपका क्या होता है बेटा है कि कॉस ए की बेटा वैल्यू क्या होती है, वन अपान का साइन ए होती है। तो यहाँ देखो वन अपान का साइन लिखा, अच्छा बेटा इसके इंटू में हम वन यहाँ लिख सकते हैं, वन इंटू वन बेटा क्या रहेगा, वन ही रहेगा। तो देखो ये वन अपान का साइन ए बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ए हो जाएगा। वन अपान कॉस ए तो बेटा सेक ए क्या होता है आपका, जैसे सेक ए होता है सेक को हम वन अपान कॉस ए लिख सकते हैं, अच्छा अच्छा लिखते हैं कॉस ए लिख सकते हैं। तो वन अपान कॉस ए बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका सेक क्या आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका वन रहेगा। देखो बेटा हमारा थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया ऐसे। बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम लेके चले सेकंड पार्ट ले आए, सेकंड पार्ट लेके चले थर्ड पार्ट ले आए, ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आप एक दो बार लगाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्या नहीं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बिल्कुल से परफेक्ट हो जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करना, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है बेटा इसी का सगा भाई है तो इसमें हिंट ले लो। इसमें बेटा आपको क्या करना है, टेन को हम ब्रेक कर देंगे साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को ब्रेक कर देंगे कॉस अपॉन साइन में, ठीक बेटा। ब्रेक करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्यों देखो आपको सर ऐसा क्यों करेंगे, ये तो हमारा आंसर बेटा कॉस और साइन में हमारा आंसर दे रखा है, हमारा आंसर कॉस में रखा है, तो हम टेन को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे और कॉट को कॉस अपॉन साइन में ब्रेक कर देंगे है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हम आसान तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, या फिर आपके लिए होमवर्क सवाल दे रखा है ना, ये सवाल आप घर पे लगाइएगा। अब देखो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे, आलतू फालतू बच्चों को सवाल मत करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा नॉलेज फालतू बेकार जाए। पता है वो लोग क्या करते हैं, फोन ऐसे रख दिए अपना बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं। पढ़ने वाले बच्चों तो कम लोग हो अच्छा पढ़ो, कम लोग हो अच्छे पढ़ो, ठीक है दोस्तों।
तो क्या हो जाएगा, ये सवाल आपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक सवाल ऐसे कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।